सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की क्रिकेट की कुछ खबरें। भारत ने वेस्टइंडीज के सामने रखा 269 रन का लक्ष्य। विराट कोहली ने 72 और धोनी ने 56 की शानदार अर्धशतक पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने गुरुवार को वर्ल्ड कप के 34वें मुकाबले में वेस्टइंडीज के सामने 269 रन का लक्ष्य रखा है। मैनचेस्टर में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 238 रन बनाए। विराट कोहली ने रचा इतिहास, तोड़ा सचिन तेंदुलकर और ब्रॉन लारा का रिकॉर्ड। टीम इंडिया के कप्तान और रन मशीन विराट कोहली ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का और एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुरुवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर 37 रन बनाते ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 417 पारियों में 20,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। जीत कर भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा पाकिस्तान। सरफराज अहमद की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रखी है। हालांकि अभी भी यह पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।